नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का हम मॉक टेस्ट जो है साइंस से शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख रहे होंगे, बांस किसका प्रकार है। तो ऑप्शन आपके सामने है 159 की अगर हम बात करें, ऑप्शन आपके सामने है तो इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी घास। दोस्तों घास इसका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोलियो का कारक जीव है। तो ऑप्शन आपके सामने है 160, तो अगर इसकी हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन आपके सामने है 160 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु, इसका बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम तक मैं आपको हमीरपुर बोर्ड की तरफ से मैक्सिमम जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर होंगे मैं आपको मॉक टेस्ट के रूप में करवाने वाला हूं। क्योंकि इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जो आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनमें से लिए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रेजिन किसका उत्पाद है। तो ऑप्शन आपके सामने 161 का अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन इसमें से, तो वो हो जाएगा आपका शंकुधारी वृक्ष, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस का, बर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा होती है। तो ऑप्शन आपके सामने 162 के, तो आप यहां पे देख रहे होंगे 162, अगर इसकी हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कर्मी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सहकर्मी किसकी कमी द्वारा होता है। काफ़ी टाइम एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन आपके सामने है 163, इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें 163 की, तो ऑप्शन नंबर यहां पे जो है सी, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा डी, स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से जो है यहां पे होता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे के सारे जो है इस मॉक टेस्ट में जो है करवा रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है 164, अगर इसकी हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, इसका यकृत, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्स किरणों की खोज किसने की। काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। अगर दोस्तों इसकी हम राइट आंसर की बात करें 165 का ऑप्शन आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल यहां पे राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि जो आपका शेविंग दर्पण होता है यानी कि शेविंग मिरर, उसमें कौन सा दर्पण जो है प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, शेविंग दर्पण में आपका जो मिरर यानी कि दर्पण प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी अवतल, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 167, ध्वनि किसमें तेज गति करती है। ध्वनि किसमें तेज गति करती है, ऑप्शन आपके सामने 167 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए स्टील, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे के सारे आंसर यहां पे दे रहा हूं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है। ऑप्शन आपके सामने 168, तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन आपके सामने है 168 का बी, यूरेनियम, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 169 की बात करें, विनेगर का रासायनिक नाम होता है। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है 169 और 170, आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 169 का ऑप्शन नंबर ए एसीटिक एसिड, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 170 में आपको पहले बता चुका हूँ कि एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि जो आपकी फ्यूज वायर होती है, फ्यूज तार किन मिश्र धातु से बनती है यानी कि वो किसके किन के द्वारा जो है बनाई जाती है, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए टीन और लेड। दोस्तों ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे के सारे क्वेश्चन थे, इसी वजह से मैं आपको ये जो है मॉक टेस्ट के रूप में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आपकी हिंदी शुरू हो जाती है, शुद्ध रूप आपने यहाँ पे चुनना है। तो आप सभी को पता ही होगा कि इस बार आपके दो क्वेश्चन जो है हिंदी में इसके पूछे गए थे। तो फर्स्ट 71 की अगर हम बात करें, इसमें आपने शुद्ध रूप चुनना है ए बी सी डी में से, तो इसका आपका 71 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि शुद्ध रूप इसमें से कौन सा होगा, तो 72 का ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की बात करें तो 73 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, पर्ची आपने बताना है किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 75,
दैहिक आपने बताना है कि किस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी उसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने जो टिक सही है उनको मैंने टिक लगा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनिए। इस बार इसके जो है दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो अवश्य ना हो तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन आपके सामने 86, तो इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87, आकाश में विचरने वाला, तो 87 का अगर हम राइट आंसर की बात करें 87 का ऑप्शन नंबर सी नभचर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहते हैं, 88 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 जो सरलता से प्राप्त हो जाए यानी कि जो आसानी से प्राप्त हो जाए, 89 का ऑप्शन नंबर ए सुलभ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मद से अलसाई हुई स्त्री, तो इसका 90 के अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से हम थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा कि इस बार आपके ईडीएम के दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 66 टू टॉक वॉज हेड ऑफ, तो ऑप्शन आपके सामने 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टू सी आई टू आई विद, तो इसका आपका क्या होता है, 67 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन जो है आपके सामने है टू एग्री इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, काफी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, वंस इन ए ब्लू मून, तो 68 का अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टू हैंग अप वंस हैट, तो ऑप्शन आपके सामने 169 की अगर हम बात करें तो 69 का ऑप्शन नंबर डी टू मेक वन सेल्फ कंफर्टेबल इन अनदर पर्सन्स होम। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 की बात करें वी इन द मायर, तो इसका आपका ऑप्शन जो है आपके सामने है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी सी इसका वी इन डिफिकल्टीज। तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों यहाँ से आपकी हिमाचल जीके शुरू हो जाती है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 36 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रोड की लंबाई सबसे कम है, तो ऑप्शन आपके सामने है 36, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए किन्नौर इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जुब्बर हट्टी हवाई पतन यानी कि हवाई अड्डा स्थित है, तो 37 का अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी इसका शिमला इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कंदरोल ब्रिज स्थित है यानी कि कंदरोल आपका पुल किस जिले में है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नारेश्वर मंदिर स्थित है, तो इसका आपका 39 के अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर इसका बिल्कुल राइट यहां पे हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कांगड़ा के किस शासक द्वारा कांगड़ा किले का निर्माण करवाया गया था, तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका झील स्थित है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट कार्ड में पूछा गया है 41 का बात करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिरमौर इसका बिल्कुल राइट यहां पे हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नृत्य रूप डांगी नृत्य है, 42, तो राइट आंसर ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन इसके आपके सामने राइट आंसर चंबा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की बात करें हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब किसने लिखी थी, तो 43 के ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर की बात करें तो मनमोहन सिंह इसका बिल्कुल राइट यहां पे हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले का प्रसिद्ध त्यौहार चैत्रुअल है, तो ऑप्शन आपके सामने 44 का, तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन आपके सामने डी सिरमौर इसका बिल्कुल यहां पे राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काहिका मेला आयोजित किया जाता है, तो 45 का आपके सामने ऑप्शन आपके सामने है, 45 की राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए कुल्लू इसका बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक डिवीजनों की कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन आपके सामने 46 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 इसके जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस वर्ष
में हिमाचल प्रदेश पार्ट सी राज्य बना था। तो ऑप्शन आपके सामने 1948, 1951, 1954 या 1956। तो 47 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी 1951 इसका बिल्कुल यहां पे राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 48, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्थापित हुआ। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका 48 का 1979, यानी कि बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो 49 का आप सभी को पता ही होगा, 49 का आंसर आपका क्या होने वाला है, हमीरपुर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1970 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आपके लिए एक छोटा सा मॉक टेस्ट था, अगर मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपके लिए एक ऐसा मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ जिसमें कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपका इस बार एग्ज़ाम हुआ था पूछे गए थे। धन्यवाद फ्रेंड्स।